नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। मैनपुरी पहुंचे केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर कसातंज। राहुल गांधी और अखिलेश यादव से नहीं की जा सकती समझदारी की उम्मीद, एसपी सिंह ने कहा। पिताजी के साए में जो लोग बनते हैं उनमें अनुभव की कमी होती है और डिसीजन लेने की क्षमता कम होती है, आए दिन वह ट्वीट करते हैं, एसपी सिंह ने ये सब कहा। मुलायम सिंह यादव एक धरती पुत्र हैं और उनके घर ट्विटर पुत्र पैदा हुए हैं जो 44 डिग्री टेम्परेचर में मौके पर नहीं जाते हैं। उनके राजनीतिक आदर्श डॉक्टर लोहिया ने कहा था, चर्चा पर्चा खर्चा हमेशा राजनीति में रहनी चाहिए। दूसरी बात कही थी कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। 2012 से 17 में कुर्सी से उतरे लेकिन मानसिक रूप से मुख्यमंत्री पद से नहीं उतरे। 4.5 साल तक अखिलेश यादव आराम गृह में नहीं रहे। चुनाव की पूर्व संध्या पर 3 महीने पहले निकले अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं एक भी बार करहल नहीं आऊँगा, लेकिन जनता ने उनके साथ लोगों को खूंटी से बांध दिया। रामपुर और आजमगढ़ की सीट को लेकर कहा जो राजधानियाँ आजमगढ़ रामपुर समाजवादी पार्टी की हुआ करती थी, अजीब आदमी है अखिलेश यादव, अपने भाई को भेजकर एक बार फिर से परिवारवाद पर मुहर लगा दी, लेकिन जब भाई फंसा हुआ था उसको निकालने के लिए एक भी दिन दौरा करने के लिए नहीं गए। इनसे बड़ा सुविधावादी नेता कोई भी धरती पर नहीं है। सभी मंडलों का मंत्रिमंडल के समूह प्रवास के लिए भेजा, हम जो 3 लोगों का समूह मंत्रिमंडल समूह आदरणीय दयालु जी आयुष मंत्री जी, आदरणीय सुरेश राय जी खेल मंत्री है, मैं भूपेंद्र पंचायती राज मंत्री, उन 3 लोग आगरा मंडल के प्रवास पर हम लोग आए हैं। वो लोग फिरोजाबाद आगरा मथुरा के बाद उन्हें पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से सभी जन बातचीत की है और उसी के आधार पर हम लोग स्थितीय निरीक्षण करेंगे। सरकारी कामों की प्रगति क्या है, उनकी सत्ता का ज्ञापन करेंगे। कई जगह हमारा जाना है, स्थलीय निरीक्षण है। उसके बाद शाम को विकास कार्य की समीक्षा के लिए बैठक है, बैठक में समीक्षा करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट बनाकर शासन को माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। विपक्ष की बात क्या लगता है, कदम जीत जाती है ऐसा व्यक्ति को अपना मूल्यांकन करना चाहिए। उन्होंने माहौल ऐसा बना दिया, सरकार आ रही है जबकि जमीनी स्थिति विपरीत है, और जब कुछ चीज़ें अपेक्षा के विपरीत होती हैं तो कष्ट तो होता ही। और सरकार में मुख्यमंत्री बने घूम रहे थे, उन्होंने विभाग बांट लिए थे, मंत्रियों ने आवास बांट लिए थे, सारे काम उन्होंने कर लिए थे, कहाँ क्या 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 करना है वो सब उन्होंने निर्धारित कर लिया। बाद में परिणाम आए, उस प्रदेश की जनता ने 70% से ज़्यादा सीटें भाजपा को दी, योगी जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त करा। अब उनका जहाँ तक संगठन भंग करने का, तो मुझे वो लगता है उनकी खिस्याट खिस्यानी बिल्ली खम्बा नोचे, गुस्सा बहुत समझदार थी, वह कमज़ोर पर ही आता, बड़े पर तो आता नहीं। तो गुस्सा किस पर करेंगे अखिलेश जी, कार्यकर्ताओं की करेंगे तो कुछ गुस्सा निकाल लेंगे। मालूम है कि बात आपको पंचायती राज विभाग विभाग खासकर हम लोग पार्टी के लाभार्थी विधान परिषद के सदस्य हैं, भाजपा जो भी काम बीजेपी देगी पार्टी देगी, मेरे नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री की देश के प्रधानमंत्री देंगे, मैं अच्छे मन से पूरे मनोयोग से उस काम को अंजाम दूंगा। लोग कर रहे हैं, उन्होंने पंचायती राज विभाग दिया है तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए आधारभूत सुविधा, स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े विषय, स्वच्छता से जुड़े विषय, पूरे प्रदेश को बाहरी शौच जैसी सामाजिक बुराई से मुक्त करना, सामुदायिक शौचालय बनाना, उनके रख रखाव की व्यवस्था करना और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑपरेशन काया। 100 दिन का जो सबसे बड़ी बात है पिछली इनिंग की तरह, ये 100 दिन भ्रष्टाचार मुक्त होते हैं और विकास युक्त रहे, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का ये स्वर्ण युग है। तीसरी बात है, इसी 100 दिन में 800 दिन में बहुत करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में वृक्षारोपण, मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है, हमने इतना बड़ा उत्तर प्रदेश बनाए, वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में चिंतित
करते हुए पूजा के बारे में पढ़ती हुई विरासत गोवंश के बारे में बहुत संवेदनशीलता के साथ काम करता हूँ। और आज मुझे हमारे पास ये 25 लाख पौधे लगाने का मैंने उनको टास्क किया है जो 3 चरण में लगाना है। 800 दिन होने वाले वाले दिन 15 अगस्त को हम आज़ादी का जब 75वां साल मना रहे हैं तो ऐसे 25 लाख पर मैं जिला प्रशासन से ये चाहूँगा कि सर्वाइवल रेट बहुत अच्छी है क्योंकि हर साल हम रिकॉर्ड तोड़ते हैं कोरोना का, लेकिन देखना चाहिए कि सर्वाइव किया। हमेशा के लिए इस समस्या का, जब मैं शुरू में राजनीति में आया तो जो आई हुई जनता में दो चीज़ें बहुत मांगी जाती हैं और मुझे लगता है मैनपुरी फिरोजाबाद एटा का फिजा देख सीजिए नल और नदी की वही डिमांड होती है। आई हुई जनता में 80% यही लोग होते थे जिनको लाइसेंस चाहिए होता है। इसका स्थायी समाधान एक ही नीति से प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है कि जल जीवन मिशन के अंदर 2024 तक नल के द्वारा जल प्रत्येक घर को मिलाया जाएगा और ये कहीं कहीं सरफेस वाटर होगा और कहीं कहीं अंडरग्राउंड वाटर होगा। ओवर हेड टैंक से नलों के द्वारा ट्रीटेड वाटर ये केवल इसी आपका पी रहे जो तो नगर पालिका कुछ कर रही होगी तब फिट करिए डालते हैं, लेकिन देहात में जो समर का पानी पी रहे हैं और हैंडपम्प का पानी पी रहे हैं उस